एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज बनाएंगे आईब्रोज एट होम। सो सबसे पहले आपको चाहिए एक ट्वीज़र और एक आईब्रो पैलेट और आईब्रो पेंसिल। तो पहले आप जैसे हम अपना ब्राउज बनाते हैं परफेक्टली आपको जैसे चाहिए आप वैसे बना लीजिए। बॉडी मिरर को इस तरह से होल्ड करने से आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर यू नो हाउ टू डू इट, लाइक यू आर एडिक्टेड टू मेकअप, आई नो। सो राइट वाला इज़ ऑलमोस्ट डन, तो अब मैं दूसरा वाला आईब्रो बनाऊंगी। तो मैंने आईब्रोज कराए थे करीब 15 दिन पहले और अभी थोड़ा थोड़ा मेरा ग्रोथ शुरू हो गया है। तो अगर आप इस प्रोसेस को घर पे करते हैं तो लाइक इन एवरी 15 डेज यू कैन ट्राई इट, एंड आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है और वो वाला पेन भी सहने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि घर पे आप जब करते हो तो ये बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लाइक नाउ आई एम जस्ट पुलिंग माई स्किन अपवर्ड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्किन टाइट हो जाता है और आपको लेस पेन फील होता है, ठीक है। जब वो पार्लर वाली दीदी करती है तो वो क्या करती है, हम पकड़ते पर हमारी आंखें बंद होती है तो हमें पता नहीं चलता कि किस वाला साइड अभी हो रहा है, तो हम सेम पुल ही यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हमको दर्द होता है। और थ्रेड से क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बाल आते हैं, इससे भी दर्द होता है। आईब्रोज बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जगह है जहाँ पे भी बाल है, मैं वो रिमूव कर रही हूँ। मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं आप अपने आईब्रोज बनाए उसका ख्याल रखें कि जो बाहर का पोर्शन है आपको बस उसी पोर्शन से ही हेयर रिमूव करना है। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसेस है, ठीक है। आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हो कि अभी मैं खींच रही हूँ तो अभी दर्द होगा। सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। मैं साल में 3 से 4 बार ही ब्राउज बनाती हूँ, जब कोई स्पेशल ओकेजन हो। अदर्स टाइम आई डू दिस प्रोसेस एंड सब मुझे बोलता है, हाँ तेरे को तो बाल ही नहीं आते, ये वो, हमारे देखो एक हफ्ते बाद ही झाड़ बन जाते, ये होता है वो होता है। सो दिस इज माई सीक्रेट गाइस। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा तक वर्टिकल अलाइनमेंट में ज़्यादा बाल ना निकालें, इससे क्या हो सकता है, शेप बिगड़ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए और एक हॉरिजॉन्टल एक सिमेट्री मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे बाल आ रहे हैं और ये थोड़ा सा ही पेन होता है जिस जगह पे आपका बहुत सारा मोटा बाल है। तो यहाँ पे मैंने बालों को कर लिया है टाई अप क्योंकि गर्मी बहुत है। तो एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, अब मैं दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे इस वाले साइड में थोड़ा ज़्यादा बाल आते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे पेनफुल लगा, बट ठीक है, इट ऑल वर्थ इट। कोई सडन प्लान बन जाता है तो आप जस्ट मेकअप अप्लाई करने से पहले भी ये कर सकते हैं। कुछ लोग आईज वगैरह लगाते हैं, पर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ इट्स डन, आप देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो डू कमेंट इफ यू वांट टू नो माय स्किन केयर टिप्स एंड ऑल। सो बाय बाय।